दोस्तों स्वागत है आप सबका टाइपिंग बजार डॉट कॉम पर। आज हमारे टाइपिंग क्लास का चौथा दिन है और आज हम अपर रो के लेटर्स को टाइप करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं जो हमने अभी तक के क्लास में सीखा है। तो अभी तक हमने सीख लिया है होम रो के सभी लेटर्स को टाइप करना और होम रो के लेटर से बनने वाले वर्ड्स का भी प्रैक्टिस हमने कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको होम रो के किसी भी बटन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। हमारी उंगलियां होम रो पर किस तरह रेस्ट करेंगी अभी आपको पता चल चुका है। अब हम सीखेंगे कैसे हमें अपर रो यानी टॉप रो के लेटर्स को टाइप करना है। तो अभी तक आप सीख ही चुके हैं कि जब भी आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो आपकी उंगलियां हमेशा होम रो पर ही रहेंगी यहां, और जरूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे के लेटर्स को प्रेस करेंगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे किस उंगली से कौन से अपर रो के लेटर को प्रेस करना है। लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। पिंकी फिंगर क्यू बटन को प्रेस करेगा, रिंग फिंगर डब्ल्यू बटन को प्रेस करेगा, मिडिल फिंगर ई बटन को प्रेस करेगा और इंडेक्स फिंगर आर बटन को प्रेस करेगा। साथ में इंडेक्स फिंगर ही टी बटन को भी प्रेस करेगा। तो यहां फिर से आप देख सकते हैं कि हमारी इंडेक्स फिंगर पर यहां भी दो बटन को प्रेस करने की जिम्मेदारी है। अब हम देख लेते हैं अपने राइट हैंड के लिए। तो पिंकी फिंगर प्रेस करेगा पी को, रिंग फिंगर प्रेस करेगा ओ को, मिडिल फिंगर प्रेस करेगा आई को और इंडेक्स फिंगर प्रेस करेगा यू बटन को। साथ में इंडेक्स फिंगर वाई को भी प्रेस करेगा। तो यहां भी इंडेक्स फिंगर पर दो बटन यू और वाई को प्रेस करने का जिम्मा है। ठीक वैसे ही जैसे कि होम रो में हमारी इंडेक्स फिंगर एफ और जे के अलावा जी और एच बटन को भी प्रेस करती है। तो यह तो बात हो गई कि हमें कौन से फिंगर से कौन सा लेटर प्रेस करना है। इससे पहले कि मैं आपको इसे प्रैक्टिस कैसे करना है समझाऊं, मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कीबोर्ड को डिजाइन करने वालों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस का प्रयोग कर हमारे लिए परफेक्ट कीबोर्ड का डिजाइन किया है, ताकि हम अच्छे स्पीड के साथ अपने हाथों और उंगलियों को ज्यादा अननेचुरल मूवमेंट न कराते हुए टाइप कर सकें। अगर आप अपर रो को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि क्यू बटन थोड़ा बाहर की तरफ है, जबकि पी बटन थोड़ा अंदर की तरफ है होम रो के बटन के हिसाब से। अब ऐसा क्यों है इसे समझते हैं। आप अपनी उंगलियों को होम रो पर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अभी आप अपनी उंगलियों को एक साथ अपर रो पर ले जाइए। आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां एग्जैक्टली अपर रो के 8 लेटर्स पे आ गई हैं, जबकि इनका प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड के लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ है और राइट हैंड के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बाएं हाथ की उंगलियों का मूवमेंट नेचुरली थोड़ा बाएं तरफ होता है अगर हम उनका मूवमेंट ऊपर की तरफ करें तो, जबकि दाएं हाथ की उंगलियों का थोड़ा दाएं तरफ होता है। इसीलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इन लेटर्स का पोजीशन ऐसा बनाया गया है। अब इस बात को समझ लेने के बाद एक बार फिर से अपनी उंगलियों को ऊपर के रो के तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए और देखिए उनका नेचुरल मूवमेंट किस तरफ रहता है। आपको क्यों क्यू बटन थोड़ा बाहर की तरफ और पी बटन थोड़ा अंदर की तरफ होम रो के हिसाब से रखा गया है समझ में आ जाएगा। यह तो बात हो गई कीबोर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमें आज के इस लेसन अपर रो का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो हमेशा की तरह हमारी उंगलियां होम रो पर रहेंगी और फिर ऐसे हमें टॉप रो के लेटर्स को टाइप करना है। तो कोई भी लेटर प्रेस करने के लिए हमारी उंगलियां जब होम रो से उठकर अपर रो के लिए जाएंगी तो उस लेटर को प्रेस करने के बाद वापस होम रो पर ही आकर रेस्ट करेंगी। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। तो आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्यू ए स्पेस डब्ल्यू एस स्पेस ई डी स्पेस आर एफ स्पेस टी एफ स्पेस। एक बार फिर से देखते हैं। क्यू ए स्पेस डब्ल्यू एस स्पेस ई डी स्पेस आर एफ स्पेस टी एफ स्पेस। तो यहां भी हम टी और वाई इन दोनों इंडेक्स फिंगर से टाइप करेंगे। आप यहां एक बात देख रहे होंगे कि मैं अपर रो के लेटर्स के साथ साथ होम रो का भी
की प्रेस कर रहा हूं। तो ऐसा मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूं ताकि आपकी उंगलियों को हमेशा यह पता रहे कि उन्हें कुछ भी टाइप करना है लेकिन वापस तो होम रो पर आना ही है। इस बात को प्रैक्टिस बनाने के लिए, अपनी उंगलियों को याद दिलाने के लिए हम लोग इस तरह से टाइप करेंगे। अब देख लेते हैं राइट हैंड से हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। पी सेमी कॉलन स्पेस ओ एल स्पेस आई के स्पेस यू जे स्पेस वाई जे स्पेस। एक बार फिर से देख लेते हैं। पी सेमी कॉलन स्पेस ओ एल स्पेस आई के स्पेस यू जे स्पेस वाई जे स्पेस। एक बार फिर से देखते हैं आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। क्यू ए स्पेस डब्ल्यू एस स्पेस ई डी स्पेस आर एफ स्पेस टी एफ स्पेस पी सेमी कॉलन स्पेस ओ एल स्पेस आई के स्पेस यू जे स्पेस वाई जे स्पेस। साथ में हम इसे दूसरे कॉम्बिनेशन में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे टी एफ स्पेस आर एफ स्पेस ई डी स्पेस डब्ल्यू एस स्पेस क्यू ए स्पेस वाई जे स्पेस यू जे स्पेस आई के स्पेस ओ एल स्पेस पी सेमी कॉलन स्पेस। यहाँ मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपर रो के की को प्रेस करेंगे उसके बाद आपकी उंगलियां वापस होम रो पर ही आकर रेस्ट करनी चाहिए। होम रो पर अपनी उंगलियों को वापस लाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप अपनी उंगलियों को ऊपर के की को टाइप करने के बाद ऊपर के की पर ही रखे रह जाएंगे तो अगर आपको फिर से कोई की नीचे टाइप करना होगा तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गांठ बांध लीजिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, अपनी उंगलियों को याद करवा दीजिए कि उनको कुछ भी टाइप करना है लेकिन वापस अपने घर पर आकर ही रेस्ट करना है। और यह प्रैक्टिस से ही होगा तो आपको इस क्लास का और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, कम से कम 5 से 6 पेज आज आपको पूरा फिल करना है। इसके भी प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीडियो के नीचे प्रैक्टिस मॉडल दिया गया है, साथ में ब्लैंक पेज भी दिया गया है जिसको आपको जरूर फिल करना है। तो आज भी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करने हैं। और हाँ, टाइप करते वक्त हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कीबोर्ड पर बिल्कुल नहीं देखना है, हमेशा अपने स्क्रीन पर ही देखना है। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आपको उसे बिना कीबोर्ड पर देखे ही दिमाग पर जोर देकर ठीक करना है। हो सकता है कि अभी आपको सीखते वक्त एक एक लेटर को टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगे, लेकिन आप वह समय लगाइए, आप अपने एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए कि आप किस स्पीड से टाइप कर रहे हैं। अगर आपका एक्यूरेसी सही होगा तो जल्दी ही आप स्पीड भी गेन कर लेंगे और फिर अच्छी तरह टाइप करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।